गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सानू सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल द रीडर में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 22 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इतिहास और नौकरी अपडेट के बारे में भी। दोस्तों आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको वीडियो से रिलेटेड या करेंट अफेयर से रिलेटेड सारे PDF आपको मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, चापचार कूट उत्सव या महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए मिजोरम, बी मेघालय, सी नागालैंड, डी मणिपुर। तो हमारे सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मिजोरम। मिजोरम में जो चापचार कूट महोत्सव मनाया जाता है। चलिए मिजोरम की जो कैपिटल है, मिजोरम कैपिटल कहाँ है? आइजोल, जिसको हम AIZZAWL लिखते हैं, आइजोल। इसके जो CM है, मिजोरम के जो CM है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जोराम थांगा, TH ANG, जोराम थांगा जो है मिजोरम के CM है। और मिजोरम का जो फॉर्मेशन डे बोलते हैं, मतलब मिजोरम की स्थापना कब हुई थी, तो 3 मई 1972 को मिजोरम का एक राज्य बना था। फॉर्मेशन डे है इसका 3 मई 1972 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक देश एक कार्ड कब से लागू होगा, कि मतलब पूरे देश के लिए एक ही कार्ड आपको कब से लागू किया जाएगा? तो ए 1 अप्रैल, बी 1 मई, सी 1 जून और डी 1 जुलाई। तो हमारा सही ऑप्शन है सी 1 जून। 1 जून से पूरे देश में जो है एक देश एक कार्ड लागू हो जाएगा। मतलब इससे एक कार्ड के आपको जो अलग अलग तरह के कार्ड्स रखने पड़ते हैं या अलग अलग तरह के पहचान पत्र या जो राशन कार्ड है वो सब सारी चीज़ें रखने हैं, तो उसकी जगह आपको बस एक कार्ड रखना है। उसी कार्ड से आपका सारा जो भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो इसे वन नेशन वन कार्ड का नाम भी कहते हैं इंग्लिश में और एक देश एक कार्ड हिंदी में बोलते हैं इसको। तो इसको 1 जून से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ए जम्मू, बी कोलकाता, सी उत्तर प्रदेश और डी लखनऊ। तो हमारे सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कोलकाता। कोलकाता में जो है 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने उबर ईट्स को खरीद लिया है? तो उबर ईट्स के किसने खरीदा है? ए जोमेटो, बी स्विगी, डी फूड पांडा और सी फूड पांडा और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जोमेटो। जोमेटो क्या है? एक फूड डिलीवरी कंपनी है और उबर ईट्स भी एक फूड डिलीवरी कंपनी है। तो जोमेटो ने क्या किया है कि उबर ईट्स को खरीद लिया। उबर ईट्स क्या है? जो जैसे आप उबर जो कैब में है उसकी ही एक सब्सिडी कर सकते हैं उबर ईट्स की। ये दोनों जो है फूड डिलीवरी में थे। उबर ईट्स इंडिया में 2017 में आई थी। तो अब जोमेटो ने जो है उबर ईट्स को अक्वायर कर लिया है, इसको खरीद लिया और अब उबर ईट्स जो है जोमेटो के अंदर आ जाएगी। तो जोमेटो का जो CEO है कौन है? दीपेंदर गोयल इसके जोमेटो के CEO है। चलिए बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये प्रथम मित्तल, बी अर्जुन मुंडा, सी अमरदीप सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा को तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस फिल्म अभिनेत्री को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया है? ए बिपाशा बसु, बी शिल्पा शेट्टी, सी माधुरी दीक्षित और डी श्रुति हसन। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी शिल्पा शेट्टी। कल भी हमने इसके लिए डिस्कस किया था कि चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड एक और इंसान को दिया गया था कल, तो कौन थे? तो हेमंत सोरेन थे। हेमंत सोरेन कौन है? हेमंत सोरेन और ये जो है CM ऑफ झारखंड है, ये झारखंड के CM है हेमंत सोरेन। इन्हें भी जो है अपने क्षेत्र में काम करने के लिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड दिया गया था। मतलब ये अवार्ड ऐसे लोगों को दिया था जो लोगों की भलाई के लिए कुछ काम करते हैं। तो शिल्पा शेट्टी के लिए इसलिए दिया गया कि इन्होंने जो है अपने जो योगा वीडियो है उसके थ्रू लोगों के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस
लाए हैं, लोगों को एक बेटर वे ऑफ लिविंग दिखलाए हैं, तो इसलिए शिल्पा शेट्टी को ही गेम ऑफ चेंज, चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड दिया गया है। बढ़ते हैं आगे, अगला है हमारा, 21 से 24 जनवरी तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए दावोस, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क और डी पेरिस। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए दावोस। दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। एक मिनट, दावोस कहाँ है हमारा? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या है? करेंसी है इसकी स्विस फ्रैंक, स्विस फ्रैंक। और स्विट्जरलैंड का जो कैपिटल है वो कहाँ है? तो इसका जो कैपिटल है स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड का कैपिटल को बोलते हैं सिटी ऑफ बर्न। हाँ, सिटी ऑफ बर्न इसकी कैपिटल है स्विट्जरलैंड की। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे है हमारा, IMF ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की GDP ग्रोथ कितनी रखी है? तो हमारा ऑप्शन है ए 5.0%, बी 5.8%, सी 4.8% और डी 6.0%। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन हमारा जो है सही ऑप्शन ऑप्शन सी 4.8%। IMF ने पहले इसको 6.3% 6.something% रखा था इन्होंने, अब इन्होंने इसको घटा के कर दिया 4.8% कर दिया है इन्होंने। चलिए बढ़ते इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते आगे। आगे क्या है कि जो मैंने इसको कल के वीडियो में बताया था, फिच की जो संस्था है जैसे UNA है, तो इसने जो है ताज़ा अनुमान कितना बताया 5.7 जो भारत का GDP, ये GDP ग्रोथ के बारे में बात हो रही, GDP ग्रोथ के बारे में। ADB ने 5.1, NSO ने 5%, NSO, RBI और वर्ल्ड बैंक इस तीनों ने जो 5% रखा है। मूडीज और फिच ने 4.9 रखा है मूडीज ने, फिच और SBI ने 4.6% रखा है कि इतनी जो है ग्रोथ होगी इंडिया की GDP ग्रोथ कब के लिए? 2019-20 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे वन लाइनर में। तो अब बैंक ऑफ इंडिया के जो नए MD और CEO जो नियुक्त किया गया है वो किसे? अतानु कुमार दास को। ये 2023 तक, सॉरी 3 साल के लिए है, तो लगभग 2023 तक ये इस पोस्ट पे बने रहेंगे। उसके बाद 19 जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। NDRF ने 19 जनवरी को अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। तो NDRF की स्थापना जो है 2006 में हुई थी, जो डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब एक डिजास्टर के टाइम में जो है बहुत हेल्प करता है लोगों की, और ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं अभी। तो 2006 में इनका स्थापना हुई थी और इन्होंने जो 19 जनवरी को अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया है। चलिए बढ़ते हैं अपने हिस्ट्री की तरफ 22 जनवरी के। तो 22 जनवरी के हिस्ट्री में कहा कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इस्पात कारखाना शुरू किया गया, 1965 में किया गया, और ये अभी तक ये कारखाना अभी तक चल रहा है जो दुर्गापुर के पश्चिम बंगाल में, बहुत ही नामी है ये। उसके बाद 1666 में मुगल शासक शाहजहां का निधन हो गया था, और 1973 में जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने गर्भपात को कानूनी मान्यता दे दी थी, कोई भी अब जो है गर्भपात करा सकती है। और अमेरिकी कोर्ट ही है पहला ऐसा है जिन्होंने इच्छा मृत्यु को भी, जो इच्छा मृत्यु होती है उसको मान्यता दी थी इन्होंने। तो दो चीज़ों को जो मान्यता देने वाला कोर्ट है ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट, गर्भपात और इच्छा मृत्यु को। चलिए बढ़ते हैं जॉब अपडेट की तरफ। तो आज के दो अपडेट में कि नवार्ड ने ऑफिस अटेंडेंट 2020 के प्री का जो है एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया। अब आप इसके वेबसाइट पर जाके अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं और एग्ज़ाम का डेट देख सकते हैं और सेंटर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ESIC UDC का जो फाइनल ईयर था वो घोषित कर दिया गया है। कुछ दिन पहले इसके थर्ड टायर का रिजल्ट आया था और अब जो है 21 जनवरी को इसका फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया। तो आप जाके इसके वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट आया नहीं या नहीं आया। चलिए तो हमारा वीडियो आज यहीं पे कंप्लीट होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।